हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, मैं हूँ सऊदी अरब में और यहाँ का टाइम हो रहा है 8:55। जी हाँ, अभी सऊदी अरब में मैं हूँ। सऊदी की राजधानी है रियाद और रियाद में हम लोग का मेट्रो प्रोजेक्ट में मतलब हमारा जॉब चल रहा है और यहाँ का टाइम हो रहा है 8:55 यानी कि 8:55 PM अभी नाइट का टाइम हो रहा है। और देखिए, हमारे पीछे इधर प्ले ग्राउंड है हमारे कंपनी का और इसमें कुछ पाकिस्तानी भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है इराक जॉब्स के बारे में। जी हाँ, इराक के लिए बहुत अच्छा एक रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट आया है और वो भी इंडिया की बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। फ्रेंड, आप लोग से मैं बता दूँ कि मैं जो भी रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर करता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट जो जॉब के बारे में रिक्वायरमेंट आप लोग से बताता हूँ, वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है तो ही आप लोग से बताता हूँ। ठीक है, यानी कि जब तक इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस में रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तब तक मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं दूंगा, जॉब के बारे में आप लोग को नहीं बताऊंगा। ताकि आपसे बता दूं फ्रेंड कि हर साल हजारों लाखों लोग सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत में जाकर फंस जाते हैं। ठीक है, सप्लाई कंपनी में यानी कि सब कंट्रेक्टर कंपनी में, कोई मतलब ऐसे भी बाहर में कफिल के पास में जाकर फंस जाता है, कोई मैंने तरह तरह के लोग यहाँ पे आकर फंस जाते हैं। देखिए, ये अपना इंडिया नहीं है, अपना बांग्लादेश या पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपको सही जगह नहीं मिला यानी कि सही कंपनी नहीं मिली, ठीक है ना, सही जगह अगर आप नहीं पहुँच पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ लीजिए। आप लोग भी देखे होंगे आए दिन मतलब इख्तियार में, एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में, न्यूज़ में आप लोग को भी देखने को और सुनने को मिलता है कि हमेशा मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट से गुहार लगाता है कि हमको बुला लिया जाए, मैं यहाँ पे कपिल के पास में आकर फंस गया हूँ, मुझे तरह तरह का प्रताड़ना दिया जा रहा है, या कोई कंपनी में कोई जाकर फंस जा रहा है। सब कंट्रेक्टर यानी कि छोटा जो सप्लाई कंपनी है उसमें तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, जैसे सैलरी टाइम टू टाइम नहीं रहता है, फिर उसके बाद से कंपनी का खाना नहीं रहता है, खाना बनाकर खाना पड़ता है, तरह तरह का प्रॉब्लम रहता है। वहाँ से कुछ वो लोग बोलेंगे कि इतना आपका सैलरी है और यहाँ आने के बाद से वो लोग सैलरी भी काट देते हैं, कोई कोई दो दो चार चार महीना पर सैलरी भी नहीं देता है, यानी कि तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए फ्रेंड, मैं जो भी रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर करता हूँ, आप लोग को देता हूँ, बताता हूँ, वो बहुत ध्यान में रख कर यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंसी सर्टिफाइड ऑफिस रहता है तो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि अगर आप ऑफिस पर जाए, इंटरव्यू दे, आपका सलेक्शन हो, फ्लाइट हो, तो मतलब जो वहाँ पे सैलरी लगा है वो सैलरी मिले, जो कंपनी हो वही कंपनी यहाँ पे मिले। ठीक है, आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगा, ये चीज़ मैं देखकर ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वीडियो आप लोग को मतलब बनाता हूँ, आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली अभी एक रिक्वायरमेंट आया है इराक के लिए। जी हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर, इराक के रिक्वायरमेंट बताइए, इराक का जॉब के बारे में बताइए, क्योंकि फ्रेंड आप लोगों को भी पता है कि इराक में जो सैलरी मिलता है वो USD डॉलर में मिलता है। जी हाँ, डॉलर में मिलता है और एक डॉलर का अभी का जो करेंट रेट है वो 84 रुपीज़ यानी कि 84 रुपया बन रहा है। यानी कि अगर आपका 1000 डॉलर सैलरी भी लगा, 1000 सिर्फ 1000 डॉलर सैलरी लगा, तो समझ लीजिए 84,000 रुपया इंडिया का 8 घंटे का सैलरी लगा, समझ लीजिए 8 घंटे का आपका 84,000 रुपया सैलरी लगा। ठीक है, तो इसीलिए समझ लीजिए कि बहुत से मेरे भाई लोग का कमेंट आता है और जैसे ही मैं रिक्वायरमेंट देखा इराक के लिए तो सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूं, आप लोग से बता दूं। प्लस फ्रेंड, साथ में इसमें सऊदी का भी एक रिक्वायरमेंट है वही ऑफिस में। ठीक है, इंडिया की बेस्ट ऑफिस में ये सऊदी का भी रिक्वायरमेंट है, तो इसके साथ में मैं उसका भी बारे में बताऊँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है यानी कि कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद साथ में बताऊँगा इसमें जाने के लिए यानी कि इराक में जाने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फाइनली आपका एज कितना होना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है यानी कि कौन सी ऑफिस का ये रिक्वायरमेंट है, ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा दूंगा। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इराक का रिक्वायरमेंट है ये UCC, जी हाँ,
अरबाकान कंपनी का रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी का नाम भी इसमें शो कर दिया है, यानी कि अरबाकान कंपनी UCC कंपनी का रिक्वायरमेंट है इराक के लिए। जी हाँ, इराक के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप ध्यान से सुनिए क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन से ट्रेड का इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड जो ट्रेड है यानी कि जो जॉब का रिक्वायरमेंट है वो है इसका फोल्डर्स का। जी हाँ, इसका फोल्डर इसमें चाहिए। जो भी हमारे भाई लोग इसका फोल्डर है, अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अगर आप इराक जाना चाहते हैं, हमारे बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि इराक का रिक्वायरमेंट बताइए, तो भाई इराक के लिए इसका फोल्डर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। अगर जो भी हमारे भाई लोग इसका फोल्डर से हैं, अगर आप इराक जाना चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट आप इस पर जाइए और अपना शॉर्टलिस्टिंग कराइए। ठीक है ना, अपना शॉर्टलिस्टिंग कराइए और बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है इसमें, बहुत से ज़्यादा इसका फोल्डर चाहिए। ठीक है ना, इसका रिक्वायरमेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा कौन सी आप इसका रिक्वायरमेंट है, आप इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके साथ में मैं बता दूं कि इराक के साथ में इसमें अरबाकान UCC कंपनी का सऊदी का भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, सऊदी अरब का, यानी कि जहाँ पे मैं हूँ सऊदी अरब का, यहाँ पे भी ये कंपनी है अरबाकान। देखिए ये कंपनी है तो इसका नाम शो कर दिया है। जो कंपनी नहीं रहती है, सब कॉन्ट्रैक्टर रहती है, वो नाम नहीं शो करती है। ठीक है ना, तो देखिए अच्छी कंपनी है तभी ये नाम शो कर दिया, और यहाँ पे भी है सऊदी अरब में भी और इराक में भी है। ठीक है ना, तो जो भी हमारे भाई लोग इसमें जाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए सऊदी में जो ट्रेड है कौन कौन सा पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले है फ्रेंड, सबसे पहला जो ट्रेड है मैं बता दे रहा हूँ वो है जनरल मेसन। जी हाँ, जनरल मेसन का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद स्टील फिक्सर का भी रिक्वायरमेंट है और सेटरिंग कारपेंटर का भी रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर सेटरिंग कारपेंटर का रिक्वायरमेंट बताइए, तो देखिए इसमें सेटरिंग कारपेंटर का भी रिक्वायरमेंट आ चुका है। इसके बाद साथ में ही लेबर और हेल्पर का भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, अगेन मैं रिपीट कर दूँ फ्रेंड, जनरल मेसन, स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर और लेबर। ठीक है, लेबर और हेल्पर इसका रिक्वायरमेंट है। इसके बाद से चार्जेंट का भी रिक्वायरमेंट है। चार्जेंट में फ्रेंड मेसन चाहिए, सिविल चार्जेंट चाहिए और सेटरिंग कारपेंटर चार्जेंट चाहिए, ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और फ्रेंड फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 25 अक्टूबर को होगा। जी हाँ, 25 अक्टूबर को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा। जो ऑफिस है फ्रेंड वो है अम्बे कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है, अम्बे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट आया है। तो इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी में सब कुछ बता दे रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड अम्बे कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है 6th floor एमोर बिल्डिंग, 2nd-4th road नियर रेलवे स्टेशन खार वेस्ट मुंबई। जी हाँ, 6th floor एमोर बिल्डिंग, 2nd-4th road नियर रेलवे स्टेशन खार वेस्ट मुंबई। जी हाँ, ये ऑफिस है और कॉन्टैक्ट नंबर है फ्रेंड 02-6294-6213, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर ये नंबर नहीं लग रहा है, ये लैंडलाइन नंबर है, तो एक और नंबर मैं बता दे रहा हूँ 02-6294-6200। जी हाँ, ये लैंडलाइन नंबर है। व्हाट्सअप नंबर साथ में नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड +81 8567912954। ये व्हाट्सअप नंबर है। जो भी हमारे भाई लोग जिसका जो कोई भी कमेंट होगा व्हाट्सअप पे अपना मैसेज कर सकते हैं और रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ मैं फ्रेंड ईमेल आईडी में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, अम्बे कंसल्टेंसी ऑफिस का, आप चाहेंगे तो अपना बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है अपना सेंड करके अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं। तो ईमेल आईडी है फ्रेंड jobs@ambecs.com। जी हाँ, jobs@ambecs.com ये ईमेल आईडी है। ठीक है ना, तो फ्रेंड बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। और आपसे बता दूं कि अरबाकान कंपनी है, यूसीसी कंपनी। ठीक है, इसका सऊदी का भी रिक्वायरमेंट है और इराक का भी रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। ठीक है ना, ये जो इंटरव्यू इसका चलेगा फ्रेंड वो एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जो इंटरव्यू चलेगा होस्टन एकेडमी, जी हाँ होस्टन एकेडमी, नंबर 9/9 खातेनी मिल कंपाउंड, जय लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, बैल बाजार, कुर्ला, वेस्ट मुंबई। जी हाँ, ये आप यहाँ पे इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा 25 अक्टूबर को। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस पे। तो जो भी हमारे भाई लोग, अगर आप इंटरेस्टेड है इराक जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए, तो फटाफट ऑफिस पे जाइए और अपना शॉर्ट लिस्टिंग कराइए। ठीक है,
बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।